Assalamualaikum guys, I hope you all are fine. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इम्पॉर्टेंट 100 MCQs सॉल्व करवाऊंगी PST के, जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली ब्लैंक है हमारे पास, कैरेक्टर इज द डैश ऑफ हैबिट्स, टोटल सम ऑफ हैबिट्स. देन है द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज डैश, इट्स इस्लाम. अ कॉमन कॉज डैश द पीपल, यूनाइट द पीपल. द वर्ड आइडियोलॉजी इज डैश इन ओरिजिन, फ्रेंच. डैश इज अ ग्रेट वर्च्यू, टॉलरेंस. देन है फ्रेटर्निटी मीन्स डैश, ब्रदरहुड. देन है कमिटमेंट मीन्स डैश विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवोशन. शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1703. इसके अलावा आपसे यहाँ पर और भी जो मूवमेंट में थे, लाइक सर सैयद अहमद ख़ान का पूछा जा सकता है और सैयद अहमद का भी पूछा जा सकता है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे शाह वलीउल्लाह का ही एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आपको उन सब की भी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए. देन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1761. देन है शाह वलीउल्लाह डाइड ऑन 10 अगस्त -1762. शाह सैयद अहमद वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश इन राय बरेली 1786. सैयद अहमद शहीद मूवमेंट वॉज नोन एज तहरीक मुजाहिदीन. देन है हमारे पास सैयद अहमद स्टार्टेड जिहाद इन डैश एंड NWFP इन पंजाब एंड NWFP. सैयद अहमद एंड सैयद इस्माइल वॉज बरीड नियर बालाकोट. हाजी शरीयतुल्ला वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश इन फरीदपुर 1761. एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है डैश डेट हाजी शरीयतुल्ला वॉज बॉर्न इन द ईयर 1761 इन डैश, तो आपको लिखना होगा फरीदपुर. देन है द ईयर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज 1857. इसके अलावा आपको ये भी पता होनी चाहिए कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सी थी और वो कौन से ईयर में फॉट की गई थी. देन है हमारे पास सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश 1817. देन है हमारे पास डैश वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, सर आगा खान. सर सैयद सेट अप अ साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर. द ईयर ऑफ अल्लाहाबाद एड्रेस वॉज 1930. देन है हमारे पास डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर हु यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स, एज यू नो इट्स सर सैयद अहमद खान. देन हमारे पास है कॉन्ग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय एन इंग्लिश मैन डैश इन द ईयर 1885, ए ओ हुमे. देन है मुस्लिम लीग वॉज सेट अप ऑन 30 December 1906. द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर 1905. इसके अलावा यहाँ पर आपसे बांग्लादेश का भी पूछा जा सकता है, तो अगर बांग्लादेश का पूछा जाए तो वो है 1971. कायदे आज़म ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन अक्टूबर 1916. देन है नेहरू रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1928. द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन द ईयर 1916. कायदे आज़म के मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के 3 ईयर्स बाद. कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन द ईयर 1929. देखें 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी एंड 1929 में कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स को इस्टेब्लिश किया था. देन 29 है हमारे पास द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम लीग वॉज टेकन ओवर बाय कायदे आज़म इन डैश 1934. आप देख लें ना, सारी डेट्स सिमिलर हैं, एक के बाद एक इंसिडेंट हैपन हुआ था. देन है नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज प्रपोज्ड बाय, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, चौधरी रहमत अली इन डैश मोहम्मद अली जिना वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आज़म इन 1938. 1934 में उन्होंने मुस्लिम लीग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था एंड देन 1938 में कायदे आज़म को टाइटल मिला था कायदे आज़म का. देन 32 है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन डैश 1939. देन हमारे पास है डैश ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम्स ऑन 22 December 1939.
डे ऑफ डिलीवरेंस। फिर 34 है, इन दिसंबर 1945 इलेक्शंस मुस्लिम लीग वॉन ऑल डैश मुस्लिम सीट्स। 30 मुस्लिम सीट्स थी एंड 30 की 30 मुस्लिम लीग ने वॉन की थी। फिर है, इन द इलेक्शंस ऑफ 1945 to 46 मुस्लिम लीग वॉन डैश परसेंट मुस्लिम सीट्स इन प्रोवेंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 90%। देन ए सिंध बिकेम अ सेपरेट प्रोवेंस इन द ईयर 1935। मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बलूचिस्तान बाय काजी एम ईसा। देन है, द न्यू नेम ऑफ NWFP इज खैबर पख्तूनख्वा आफ्टर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका है हमारे पास 15। 39 है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अप्रूव्ड ऑन 12 मार्च 1949। इन डैश द प्रोवेंसेज ऑफ पंजाब वॉज मर्ज्ड इन वन प्रोवेंस 1955। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर अबाउट डैश ईयर्स 2.5 ईयर। देन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वॉज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर अबाउट डैश ईयर्स 7 ईयर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वॉज प्रोम्यूगेटेड इन द कंट्री ऑन डैश 23rd March। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वॉज मोर देन डैश किलोमीटर्स 1600 किलोमीटर्स। शेख मुजीबुर रहमान वॉज द लीडर ऑफ डैश पार्टी इन बंगाल अवामी लीग। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ दिसंबर 1970 अवामी लीग वॉन डैश आउट ऑफ 167 सीट्स वॉन की थी अवामी लीग ने। देन हमारे पास 47 है, ऑन 16 दिसंबर डैश ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट सेपरेट ऑफ बांग्लादेश 1971। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बांग्लादेश सेपरेट हुआ था 1971 में। एंड सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन डैश इन 1974 लाहौर। यहाँ पे आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन डैश 23rd March। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज एब्रोगेटेड बाय डैश इन 1958। तो इसका है हमारे पास जिन अयूब खान। 51 है हमारे पास, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश एज एन सेपरेट स्टेट इन 1974। देन है, द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज डैश स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पाकिस्तान का एरिया याद होना चाहिए 796096। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान इज अवर नेबरिंग कंट्री। इसके अलावा आपसे यहाँ पर साउथ वेस्ट भी पूछा जा सकता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर आपसे। देन है, पंजाब हैज एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर्स 205345। देन है, द वर्ड फाटा मीन्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल। देन है हमारे पास 56, द हाइट ऑफ K2 इज डैश मीटर्स 8611। इसके अलावा आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पता होनी चाहिए। K2 इज लोकेटेड इन डैश रेंज काराकोरम। द हाइट ऑफ तिरुचमिर इज डैश मीटर्स 7690। हब एंड लियारी रिवर्स फ्लो इन डैश रेंज किरथार। देन है, द लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज डैश स्क्वायर किलोमीटर 1050। देन 61 है, पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू डैश क्लाइमेटिक रीजन्स 4। वाटर मेंटेन्स डैश ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी 70%। एन एडल्ट पर्सन नीड्स अबाउट डैश ऑफ एयर एवरी डे 15 kg। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर एडल्ट को एक दिन में वाटर की कितनी ज़रूरत होती है, तो वो होती है 2 liters। देन 64 है, इन पाकिस्तान ओनली डैश परसेंट लैंड इज अंडर फॉरेस्ट 4.5%। देन है हमारे पास, एरिया वाइज फॉरेस्ट ऑफ पंजाब आर डिवाइडेड इनटू डैश काइंड्स 6 kinds। नेचुरल गैस वॉज फाउंड इन पाकिस्तान एट सुई एट बलूचिस्तान इन डैश 1952। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डैश इन द वर्ल्ड क्रोमाइट। द बिगेस्ट सॉल्ट माइन इज इन खेवड़ा। इंडस बेसिन ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1960। वो लार्ज कैनाल सिस्टम का ये एक एग्रीमेंट था जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में साइन किया गया था।
देन 70 है नीफा मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. डैश इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. एटॉमिक एनर्जी. देन हमारे पास है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट डैश मिलियन 200 मिलियन. इन डैश पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेट अप 1962. देयर आर अबाउट डैश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री एट प्रेजेंट. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. 70 देन हमारे पास 75 है. पाकिस्तान हैज़ डैश किलोमीटर्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रोड्स. तो हमारे पास आंसर है 259758. एयरवेज इन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द एयर डैश 1955. नेशनल पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1963. द फर्स्ट सेंसस इन साउथ एशिया टुक प्लेस इन, तो इसका आंसर है 1872. द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1951. एंड आपको लास्ट सेंसस की डेट भी पता होनी चाहिए. पॉपुलेशन ऑफ कराची अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस इज डैश मिलियन 10 मिलियन. देन है द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज रिजाइड इन डैश एरियाज रूरल एरियाज. EFA means education for all. 83 है more than dash languages are spoken in Pakistan. 30 a single message of dash and dash has been conveyed by our saints love and brotherhood. 85 है first educational conference in Pakistan was held in the year 1947. compulsory primary education act was enforced from the year 2004 to 2005. ईद उल अज़हा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश 10 ज़िलहज. इसके बाद आपको ईद मिलाद उन नबी का भी पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ईद उल फित्र का भी पता होना चाहिए. देन है शाह हुसैन इज़ अ ग्रेट डैश पोइट पंजाबी पोइट. देन हमारे पास 89 है गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश एन डैश सोसाइटी इन पाकिस्तान इजेलिटेरियन. इकोनॉमिक डिवेलपमेंट लीड्स टू प्रोस्पेरिटी. Corruption means people in authority breaks dash to benefit themselves. तो यहाँ पे है law. The head of an Islamic welfare state is the dash of the people, servant of the people. The literal meaning of culture is to dash something, cultivate something. The literacy rate in Pakistan in 1998 was dash percent, 45%. Then है dash is celebrated as a human rights day. 10 December, Government of Pakistan dash passed the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010 ही है इसका आंसर. The article dash of UN Human Rights Declaration states about rights of education. There are 26 articles. 98, the Ombudsman has the same powers as the dash court has to punish any person for its contempt. High Court. N.M. Danish is a well-known dash writer, Balochi writer. 108, the most important harbor of Karachi is dash. Pakistan is dash Karachi. सो ये थे 100 MCQs जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. इसके अलावा मैंने इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से एसेस ले सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.